दफा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और वो घड़ी आ पहुंची है जिसका हम सबको था इंतजार, क्योंकि एक हफ्ता हमने एक मुर्शिद पे नहीं किया अपनी राय का इजहार, है ना। वाह जी वाह, क्या बात है। अरे इरशाद, ये मुकर्रम इरशाद नहीं हो सकता, ये बहुत फिल बदी था। अब क्या करें, अब हम सच भी बोलना चाहते हैं, फिर आप लोगों के कमेंट से भी डरते हैं। हमें पता है आप लोग बेतहाशा सराह रहे हैं इस ड्रामे को, आपको बहुत पसंद आ रहे हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट इसमें, हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बात है बिलाल अब्बास की, क्या बात है दुर्रे फिशा की, और क्या बात है ओएसटी की, लेकिन ये ड्रामा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। रुबीना जी, मैं आपसे शुरू करूँगा ताकि आप पहले अपना दिल हल्का कर लें, ओके, ताकि हमें हिम्मत मिले आपको देख के, हाँ, कि हमने कितना सच बोलना है कितना, हाँ, सच नहीं बोलना। हाँ सर, देखो फॉरवर्ड मूवमेंट शुरू हुई है ना इन दो एपिसोड्स में, तो काफ़ी कुछ आगे गया, जैसे कि सबको पता चल गया है अब एक क्यूटनेस और एक ट्विस्टी सिचुएशन इस तरह से है कि जो भी हो रहा है वो जिसके सामने हो रहा है उसको पता है कि ये ऐसे नहीं है ये वैसे है। महरीन ने तो पॉइंट ब्लैंक उसको कह दिया कि अब तुम इस गेम को ख़त्म करोगे, उसने कहा शादी तक की मोहलत मांगी, क्योंकि ऑब्वियसली पता चल गया हमें भी कि महरीन इस पोजीशन में है कि वो शादी ख़राब कर सकती है, तो उसने कहा शादी तक का की मोहलत मांगी कि शादी हो जाने दो मैं फिर आ जाऊँगा। ये हुई बात फजल बख्श को, क्योंकि अब हमने घर भेजना है और शामीर को सामने में आना है, तो अब्बा ने भी वहाँ ऑफिस में तैयारी कर ली फजल बख्श के ट्रांसफ़र की, उसको घर भेजने की। फिर कहानी को हम ले के गए उस तरफ जहाँ वो मोमेंट आना है जिसमें के द बिग रिवील होनी है, जिसमें के हीरो ने हीरोइन को बता देना है कि मैं ये नहीं मैं ये हूँ, जिसका हम फर्स्ट एपिसोड से वेट कर रहे हैं, जिसका के जो के मतलब जो हुक था इस ड्रामे का, जिसकी वजह से हर कोई ये ड्रामा देख रहा है। उससे पहले एक और मोमेंट आया इस इंसान के लिए, महबूब के लिए, इस आदमी ने सब कुछ किया है ना इस लड़की के लिए, मतलब एक चरपाई बुनना जो उसका काम नहीं था उसने वो भी कर लिया, और एक चरपाई बुनी तो बुन नहीं रहा वो ऐसे ही चरपाई को टाइट कर ऐसे ही बनाई जाती है, इसी को कहते हैं चरपाई को ऐसे ही होता है ये। सो मे बी द विजुअल वाजंट सो अपीलिंग टू यू बट सिम्बोलिज्म था, वही तो अजीब लग रहा था। मतलब मैंने कोशिश, बिकॉज था अजीब, बट मैंने कोशिश की समझने की डायरेक्टर का दिमाग, और सोचा कि वो बता रहा है कि ये यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, कि अगर वो वहाँ खड़ी है तो मैं प्रॉबली अपना हाथ भी दे दूंगा किसी को काटने के लिए, काइंड ऑफ थिंग। बहुत मजे का सिम्बोलिज्म नहीं था, बट चलो लेट्स प्ले अलोंग। बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ मजे का नहीं था, बहुत डीप था। हाँ, फिर उसके ऊपर एक म्यूजिक था जो कि शायद वो भी हमारे डायरेक्टर की जिंदगी में से ही निकला हुआ था, कुछ इट वाज अंदरून सिंध का कोई फोकलोर था या क्या था। अच्छा, वो टच मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक दिखा रहे हैं कि वो आया भी फजल बख्श जो है उस इलाके से आया जो कि उमर फजल बख्श, हाँ उमरकोट से ना, यूके उमरकोट से आया हुआ है, और वो है कि हम हमें जैसे जीवन नगर में या हमें काबली पलाव में एक पठान टच मिला, जीवन नगर में पंजाबी टच मिला, तो व्हाई नॉट अ सिंधी टच। नो आई एम जस्ट सेइंग आई कुड एम्पथाइज विद द डायरेक्टर टेलिंग मी कि मोहब्बत में लोग यहाँ तक जाते हैं, और ये कोई उसका मोमेंट था दैट मे बी आई कैन बी टोटली रॉन्ग, डायरेक्टर का कोई मोमेंट था जिसको उसने रीलिव किया है थ्रू फजल बख्श कैरेक्टर। सो फाइन, it didn't have any impact, but then comes the moment, is sab kahani ki forward movement ke baad wo waqt aaya jab ladke ne ladki ko kaha ki main tumhe bata raha hu ki main tumhe apni murshid se milata hu, aur phir wo wahan leke usko chala gaya, aur phir wahan jab leke chala gaya to usne bataya ye meri murshid hain, aur phir wo sari baat cheet hui jo ki honi thi shayad is tarah nahi humne apne dimagon mein sochi thi jaise unhone लिखी और दिखाई, तो मुझे कहीं भी आके लगी नहीं वो बुरी बात, मुझे रोना आया था कि ये क्या किया है। हाँ, जो इम्पैक्ट इस मोमेंट का impact, जिसका हम खूब देखो तेरे बिन से कंपेयर करूंगी मैं इस वक्त इसको, ठीक है, एनिमल से भी बहुत सी कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें कहानी बहुत एक पतली सी कहानी होती है,
बट हम मोमेंट्स पे खेलते हैं। ये कहानी भी अब कुछ अरसे से पतली सी कहानी हो गई भी थी ना, और हम चाहते थे कि हम बस अब ये मोमेंट आएगा, फिर ये मोमेंट आएगा, फिर ये मोमेंट आएगा। जैसे कि पहला मोमेंट जिसका मैं हमेशा रेफरेंस देती हूँ आया था जब बहन ने देखा था इसको अपने असल में, तो ये मोमेंट नहीं बना और मुझे यही डर था। क्या कहूँ, हाँ, आप इस सीन के बारे में क्या कहेंगी? किस सीन के बारे में? आखिरी सीन के बारे जो सबसे इम्पोर्टेंट सीन। सो उस सीन के बारे में मैं ये मैंने लिखा हुआ है, बीच, बिग कार, क्लोथ्स, ग्रेव, दीज आर फोर ब्लेयरिंग। बीच तो मुझे समझ भी नहीं आया ना कि बीच क्यों था। इज द बीच क्लोज टू द ग्रेवयार्ड? वी डोंट नो, बिकॉज कहीं भी हमको एस्टैब्लिश नहीं किया। माही गिर भी है वो जाके, अच्छा बीच पे वो देखती है पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है इतनी दूर से, वुड यू रिकॉग्नाइज हिम वेयरिंग अ फुल सूट, थ्री पीस सूट इन कराची हीट, हाँ ठीक है, ब्लैक ऑन टॉप ऑफ, नहीं टी शर्ट पे कोट था मैंने नोट किया। अच्छा ओके, टी शर्ट पे कोट था ब्लैक। सो शी गिव्स दिस काइंड ऑफ स्माइल, हाँ कि ये क्या। अच्छा फिर इतनी बड़ी गाड़ी आपने सवाल नहीं करना, ये गाड़ी कहाँ से आई? आप यू गो एंड स्टैंड नेक्स्ट टू द ग्रेव ऑफ अ वुमन जिस पे आपने थीसिस किया हुआ है, ये आपने पूछा नहीं कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शी हैड जीरो एक्सप्रेशंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो इट वाज लाइक यू टुक अस टू दिस सैड जर्नी व्हिच वेंट लाइक दिस, नाउ वी आर हियर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट एंड देन it just was so sad. So when it started I thought sad se suicide ho gaya tha, when it started that was suicide actually, seriously. So when it started with the charpai scene I'm thinking oh god, maine kaha iske baad I'm just going to fast forward the whole thing. Then ek chunk aaya portion ka jo aapko pata tha original एपिसोड्स थे, बिकॉज उसमें वो लाइट वापस आ गई और मैंने नोट भी बनाया हुआ, नादिया वो लाइट वापस आ गई है, एंड देन द होल शादी सीन हैपन जिसमें बाप को पता चलता है, और मैंने कहा चलो नाउ वी गोइंग बैक टू द ओरिजिनल थिंग, अब ये जितना भी इनको करना था उससे तंग आ गए, देन अगेन इट वेंट ये वाया। आई मीन इट्स जस्ट सो इतना इरेटिक कर लिया है ना कि इसका ना सर है ना पैर है, एंड देन टू टॉप इट ऑल वॉज दिस लास्ट सीन जिसमें एंड में फ्रॉम walking down the that area, then suddenly she's walking on the beach. So obviously the beach was right next to the graveyard is what I'm. और वहाँ एक उसका एक एक वो क्या कहते हैं? एक हट के सामने वो beach बीच बेंच कहाँ से आ गया? वहाँ नहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं. That's okay. But you know, I had some hope, but it just then went शादी के बाद if there was that confusion जब कभी ये आ रहा है वो जा, it was just I want to give you this, but I'll give you this. Shock. Sad. Sad. Very sad. Suicide. अच्छा, अगेन मैंने चूंकि मैं बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं फॉलो करता तो आई गेट टू वॉच चंक्स ऑन सोशल मीडिया ना, बीच में इंस्टा पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं, व्यूज होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग बताओ, जिंदगी में कभी मुझे इश मुर्शिद का कोई क्लिप नहीं अच्छा लगा। आई डोंट नो व्हाई, आई ऑलवेज थॉट पूरी दुनिया को पसंद है, प्लीज डोंट हेट मी फॉर दैट। मुझे एक तो वो एक आज मरीना जी ने वो सवाल मेरे जो जहन में था ना उसे खोल दिया है। वो एक लाइट है जो मुंह पे टॉर्च की तरह पड़ती है हर एक्टर के, वो मेरी समझ में नहीं आती थी। फ्लैट सीधी सीधी लाइट, मेरे ख्याल में 25 साल पहले हुआ करती थी ये लाइटिंग, मुझे नहीं समझ आती वो क्यों है वो लाइट। अच्छा वो लाइट ना कोई स्टाइलिश लाइट है ना वो कोई आर्टिस्टिक लाइट है कि बाई चॉइस हो, इट्स लाइक ए फ्लैट लाइट कैमरे के ऊपर से पटाख। और जितने भी मैंने विजुअल देखे, अप एंड डाउन सिनेमाटोग्राफी जो है ना, कैमरा वर्क कहीं से मैच नहीं कर रहा। शुरू में तो फिर कंसिस्टेंट था, चले सारे सीन्स लाइट वाले थे, फिर लाइट गायब होगी, फिर किसी एक सीन में लाइट आती थी, फिर लाइट नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं है जो कैमरामैन जो शुरू में जब
जब मैं असिस्ट करता था तो डायरेक्टर कहते थे कि आपने लाइट इधर से करवानी, खिड़की इस तरफ से, एक लाइट का सोर्स बनेगा तो इधर से बनेगा, एक तरफ दीवार है, इधर से लाइट कहां से आ रही है? ये भी टेक्निकल सी बात है, शायद ऑडियंस नहीं समझती, लेकिन जो मुझे वाले कानों को समझ आती है कि ये कहां से लाइट आ रही है। मुझे ना मुकर्रम उसका विजुअल हमेशा, अब मुझे आज पता चला है कि फारूक रिंदी एक बहुत कल्चर्ड डायरेक्टर है, बहुत डीप काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फारूक इज मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ कल्चरल डायरेक्टर, कि जब आप उसको ले जाओगे ना सिंध के अंदर वाली कहानी में, इस तरह की स्टोरीज में, विलेजेस में, तो वहाँ पे वो कमाल कर देता है। ये स्टोरी मुझे लगता है या तो किसी मॉडर्न एस्पेक्ट वाले डायरेक्टर को देनी चाहिए थी, ठीक है ना? तो आई डोंट नो, आई एम नॉट लाइकिंग इश्क मुर्शिद। मैंने देखने की कोशिश भी की, आई कुडंट फॉलो, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है, मुझे रोमांस नहीं समझ आया, किस बात का इश्क है, किस बात का मुर्शिद है, आई एम सॉरी। तो फॉर मी, प्लीज़ अगेन, प्लीज़ ऑडियंस, मुझे जो है ना, आई वांट टू गिव यू दिस, बट दिस शॉक फेस, आई एम शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो रहा है। और आज के दिन, आज की तारीख में शबूर अब्बासी ने अपने दुश्मनों में बेतहाशा इजाफा कर मेरे सारे ड्रामों पे नीचे देखा कमेंट, बेकार एक्टर तुम, बकवास कर रहे हो, जेलिस लोग, बिलाल अब्बास क्या किया जिंदगी में, तुमने क्या किया जो तुम बिलाल अब्बास के लिए कह रहे हो? भाई मुझे सच बोलने के लिए बुलाते हैं ये लोग, तो अब यहाँ पे मैं लीपा पोते नहीं कर सकता। चलें जी, राइटिंग की बात की जाए, और अब्दुल खालिक साहब इश्क मुर्शिद से, और रुबीना जी मेरा आपसे सवाल है। जी ज़रूर कीजिए। ये एक आपने सीन देखा होगा चरगे वाला, जिसमें उमेर राना के सामने उनकी वाइफ बैठी हैं, वो इतने सारे शोर क्यों हैं कि इस पे शिब्रा कंप्रोमाइज करेगी या नहीं करेगी? उन्हें क्या पता शिब्रा की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और वो जो जिस लेवल का पॉलिटिशियन दिखाया है और उसका बेटा है, उसको तो कोई भी लड़की हाँ कर देगी, उन्हें तो हैरान इस बात पे होना चाहिए डिस्कशन के, वो ऐसे क्यों कर रहा था, ये जो भी वो उनका डिस्कशन इस बात पे चल रहा है कि शिब्रा इस पे रिएक्ट क्या करेगी, उन्हें कैसे पता चला उस घर में क्या चल रहा था? ये सवाल है मेरा आपसे। मैं आपका सवाल बिल्कुल सही है, जवाब यही है, मेरे पास नहीं है और उसका जवाब यही है कि आपका सवाल सही है। अब आप मेरे सवालों के जवाब दें, चलें आइए खेलते हैं, आपको एक से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। देखो, एक जगह थी जहाँ पे राइटिंग की बात कर रहे हैं हम, तो मुझे लगा है कि राइटिंग मूव कर रही है और सही डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि आपने दिखाया कि वो लड़का, आपने हर तरह से प्रूव कर दिया कि लड़का लड़की पे फ्लिप है, ठीक है, लड़की को कुछ नहीं पता, बट अब वो भी इसको पसंद करती है। फिर आपने दिखाया कि सबको पता चल गया है लड़के की फैमिली की साइड में, तो राइटर सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी सही था। फिर उसके बाद लड़का घर आया है, घर वाले पूछ रहे हैं कि तुम आ गए अचानक, और उनको पता है, और हम, मैंने इंजॉय की टू सम एक्सटेंट वो सिचुएशन भी, कि अच्छा चलो ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि तुम आ गए हो, और वो कह रहा है बस अभी आया हूँ, कहाँ जा रहे हो? हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है, सिली बट चलो ठीक है। वो टैंग इन चीक था कि चलो इनको पता है और इसको नहीं पता कि इनको पता है। वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ पे भी एक सिचुएशन थी कि वो कह रहे हैं कि अभी आ रहे हैं साहब मिलने आपसे, शाह मीर साहब, और वो कहती हैं कि अच्छा तो मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ या जो भी पहचान लेती हूँ, और वो आ जाता है फजलदीन, और वो नहीं पहचानती, वो उसको डांटती है। तो यू नो सिचुएशंस थी, नॉट दैट दे हैड एनी इम्पैक्ट, द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे कुड हैव हैड, बट थी, हम जा रहे थे सही डायरेक्शन में। लेकिन एक डायलॉग था, बाप थप्पड़ मारता है ना जब इसको सुन लेता है कि वो लड़की को कह रहा है, हाँ यहाँ मुझे राइटिंग ने डिसअपॉइंट किया, ये तो लेआउट था जो कि ओके था। बाप जो है वो सुन लेता है इन दोनों को बात करते हुए, और बात क्या हो रही है, लड़का हर 3 मिनट बाद कहता है बहुत प्यारी लग रही हूँ, थोड़ी देर बाद वो फिर कहता है बहुत प्यारी, अरे भैया कोई 2 डायलॉग तो और लिख देने थे, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, बीच में था 1 2 3 4 5 ये डायलॉग भी था। अच्छा वो कहता है बीच में 1 2 3
चार मतलब गिनती गिनते आपस में हाँ हाँ क्यूट मोमेंट उन्होंने बनाया फाइन उसके बाद थप्पड़ पड़ गया उसके बाद एक अच्छा डायलॉग था अब्बा जो है वो बहुत स्कोल्ड करते हैं तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम्हें अपने आप को समझते क्या हो और वो कहता है कि वो दो तौलियों की फैक्ट्री वाले फरहाद से इखलास और फकीरी में मैं आगे खड़ा हूँ लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आई सर इसको इखलास मैं ज़्यादा खलूस रखता हूँ अपने दिल में आपके लिए और मैं ज़्यादा यू नो क्या छोड़ के कहाँ आ गया हूँ फ़कीरी में और इखलास में मैं उस दो तौलियों की फैक्ट्री के मालिक से आगे हूँ वॉज अ गुड लाइन एंड देन कम्स अनदर लाइन जहाँ वो लड़का फाइनली इसको बता रहा है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया और वो कहता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हें हासिल करने के लिए किया एंड आई एम थिंकिंग नहीं भाई तुम कह देते मैंने ये सब कुछ तुम्हारे प्यार में किया है इट वुड हैव मेड अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस हासिल करना इज़ लाइक शी इज़ अ कमोडिटी यू ट्राइंग टू गेट हर एंड तुम्हारे प्यार में किया है कि आई एम सो मैडली इन लव विद यू दैट मैं कुछ भी कर सकता था सो राइटिंग इज गुड एंड बैड बोथ एंड इट्स कन्फ्यूजिंग बिकॉज वाई एक आदमी जो एक लाइन इतनी अच्छी दे सकता है वो इस जगह को कैसे छोड़ देता है क्योंकि अक्सर ये होता है जब हमारे पास कोई स्क्रिप्ट आता है और हम एक सीन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अपने लफ्ज़ों में इसको कह देते हैं तो राइटर के लफ्ज़ अपने लफ्ज़ों से कहीं बेहतर लगते हैं जब फाइनली हम अपने लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगते हैं बिकॉज तीन तीन चार चार दस दस बार राइटर ने अपने दिमाग में घुमाई होती है यहाँ मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है सबसे ज़्यादा वरना मैं ठीक थी इस राइटिंग के साथ आई वॉज ओके आई वॉज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इट गेव मी दिस वन सेंटेंस विच मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी एंड देन ही सेड हासिल करने के लिए एंड आई सेड नो व्हाई डिड सो इस बार पे राइटिंग कितने नंबर है आपके पास छः स्टिल गुड जॉब महीना जी सो फ्रॉम द ओपनिंग चारपाई सीन जो एक कॉमिकल सीन था We go to the mafia boss. What's her name? Hina? क्या नाम है उसका मेहरीन 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 के सीन हाँ माफिया उसका नाम माफिया बॉस है बिकॉज दैट्स हर ड्रामे में आपकी माफिया बॉस हाँ कुमार में हिना ख्वाजा बेहद माफिया मम अच्छा माफिया मम हाँ हाँ दिस इज माफिया बॉस तो वहाँ वो कहती है कि तुम शिब्रा को क्यों नहीं लाए अपने साथ ठीक है फिर उसके बाद वो बातें बातें कर रहे होते हैं तो कहते हैं क्या है वो क्या नाम है उसका हाँ शिब्रा नहीं शेरनी शेरनी नहीं 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 पहले शेरनी कहती वो शेरनी का क्या नाम है हाँ वो कहता है शिब्रा फिर जब नहीं ये खुद कहती क्या क्या नाम है उसका हाँ वो कहता है शिब्रा तो कहती हाँ शिब्रा मतलब कि ये क्या और क्यों बच्चे सोच भी नहीं रहे कि हम ये क्या But again, see the thing is that जो रुबीना आप भी कह रही थी ना कि sometimes the writing disappoints you, sometimes I think it's not written by the same person. It's like each scene, you know, because the scenes are not matching. Scenes are just flowing. Yeah, they just that whole shadi sequence was okay. वो पूरा एक sequence था. उसके बाद फिर से meaning कभी आप fine. It's a romantic comedy, so आप लाते हो comedy. लेकिन अब एक बहुत डिजास्ट्रस सी चीज़ हुई है जिसमें बाप को पता चल गया उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है उसने कहा है कि तुम घर से निकल जाओ फिर क्या कॉमेडी यार फिर तो मैं कहती हूँ अब आपका पूरा जो योर इंटायर होल बीइंग शुड गो टूवर्ड्स नाउ आई हैव टू रिवील माई सेल्फ हाउ एम आई गोइंग टू रिवील माई सेल्फ बिकॉज बाप ने मुझे झूठा कहा है इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में जा रही हैं सो आई थिंक मैं पता नहीं मुझे नहीं पता कि यहाँ हम राइटर को प्रोडक्शन हाउस को डायरेक्टर को किसको ब्लेम करें अबाउट दिस सो राइटिंग तो लाइक आई सेड दैट इट्स समथिंग यू नॉट वांटिंग टू वॉच एनी मोर इट्स सो सैड एंड आई एम सो ग्लैड इट्स स्टिल गेटिंग द व्यूज एंड आई एम ग्लैड दैट यू स्टिल लविंग इट फाइव ओके जॉब शमून साहब डोंट यू थिंक इट्स लाइक अ वेरी ओल्ड स्टोरी इट इज वेरी ओल्ड स्टोरी 80s की बॉलीवुड फिल्में नौकर बन के पहुँच गए फलाना नौकर नंबर वन फलाना व्हाट आर वी डूइंग आई मीन इन जनरल हम लोग क्या कर रहे हैं ये इतने अच्छे एक्टर्स हैं आपके पास बिलाल अच्छा नाम हो गया है दुरे फिशां बहुत अच्छा नाम है लोग
इन दोनों की वजह से देख रहे हैं, बट व्हाई आर वी क्रशिंग आवर स्टोरीज दैट बैड? इतनी पैथेटिक स्टोरी, इतनी इलॉजिकल बात कि वो कब होता है ऐसा यार? मेरे आपके घर में हो सकता है कि कोई नौकर बन के आ जाए, वो रह जाए और वो इश्क माशूकियाँ चल रही हैं और सब कुछ? नहीं हो सकता बॉस, या तो फिर उसको लार्जर देन लाइफ कर देना, उसको कर दें फिर उस लेवल पर ले जाएं जहाँ पे आप जैसी पहला सीन आप देखते हैं, आप कहते हैं चाचा इट्स काइंड ऑफ अ फैंटेसी और अ फैंटेसी में ले गए. तो आई डोंट एग्री विद सच स्क्रिप्ट्स यार, देयर इज नो मैसेज इन दीज स्क्रिप्ट्स. राइटिंग में कितने नंबर दे रहे हैं आप? नहीं मैं क्या नंबर दूं, जब मैं कॉन्सेप्ट से ही नहीं खुश हूँ तो मैं, मेरे लिए तो लोएस्ट इज 4. 4 3 2 1 4 कांट गो लोअर देन 4. ऑडियंस की तरफ से ऐसा हो सकता है कि मेरा वाला जो वोट है वो अखाड़ा की तरह येलो एवरेज का, जैसे आपने मेरे अखाड़ा में मेरे वोट नहीं डाले. नहीं यहाँ पे आपसे दिलवाएंगे वोट, यहाँ पे आपके वोट दिलवाने, यहाँ पे आपका वोट बहुत मैटर करता है. सीजन 5 में जहाँ बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और एक मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में इस वक्त जो राइटिंग की कैटेगरी में की बात करें तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 10,100 हुए हैं और इनके हिस्से अब्दुल खालिक साहब के हिस्से मैं ड्रामा सर इश्क मुर्शिद से 2,525 बनते हैं 2.5. तो हाईएस्ट जो लेके गया था वो खई लेके गया था जिसको 58% मिले थे. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की फारूक रिन साहब. रुबीना जी सबसे इम्पॉर्टेंट सीन, बाकी भी मैंने यही कहा कि जगह सही थी टंग इन चीक, मगर वो जैसे चाय बन रही थी, शादी की सुबह है और लड़का चाय बना रहा है और नाश्ता बना रहा है, ठीक है. माँ आके कहती है कि तुम यह क्या कर रहे हो, और वो कहता है अपनी बीवी के लिए नाश्ता बना रहा हूँ. देखें सोती भी कितनी प्यारी लग रही है, ये क्यूट बात थी उसने अच्छे तरीके से कही भी. फिर दूसरे घर में भी नाश्ता बन रहा है जो को उन्होंने लेके आना है, फिर तीसरे घर से भी चीज़ें आ रही हैं. तो थोड़ी सी कोऑर्डिनेटेड सीन्स अगर डायरेक्टर बना देता कि अगर इस घर में सिर्फ चाय बन रही होती वहाँ नाश्ता बन रहा होता, क्योंकि जाहिर है अगर किसी ने नाश्ता लाना होता है तो जिनके यहाँ लाना होता है उनको भी पता होता है. फिर वो आखिरी सीन जिसके लिए हम इंतज़ार में बैठे थे कि जब वो लड़की पहली दफ़ा इसको एक फर खुलिए में देखेगी, जैसे इसकी बहन ने देखा था पहली दफा फर खुलिए में ऊपर कहीं से आते हुए और वो यूं ही रह गई थी. वो मोमेंट आया ही नहीं कभी शिप्रा के साथ, वो मोमेंट ही नहीं आया, ना बीच पे, ना गाड़ी से उतरते हुए, ना गाड़ी से उतर के जब ये खड़ा था, उतर के पहले आ गया था प्रॉबेबली और यहाँ कब्र के सामने खड़ा था और वो चलती 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 आई है. देयर वॉज नेवर एनी डायरेक्शन इन दोस. सबसे इम्पोर्टेंट सीन का हो गया नंबर्स कचरा 4 4 मरीना जी. सो मे बी द थिंग्स आई एम गोइंग टू पॉइंट आउट आर रियली मीनिंगलेस बट आई जस्ट हैव टू. सो वो जो क्यूट सीन था इन दोनों का जहां बाप को पता चलता है तो ये झूले पे बैठे हुए एंड दे कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग टू द फादर, यू नो कि वो बाहर बैठे हुए हैं और यू नो वो बातें हो रही हैं और देखो कितनी प्यार और मोहब्बत से उस लड़के के साथ बातें करें ऑल दैट, बट व्हेन दे टर्न द फादर इज स्टैंडिंग हियर थप्पड़. सो पीछे से यू लाइक ही वाज लाइक वेट अ सेकंड मैं अभी होके आता हूँ करके ना वो यू नो लाइक इट वाज इट मेड दैट आई दैट्स खैर एनीवे देन इन दिस चिकन चरगा दिस सूखा हुआ पेडेस्ट्रल पे meaning it wasn't even like it was like a centerpiece char I couldn't even listen to the dialogues. There was this producer charga lekin behurmati itni ho rahi hai ki sabko fried chicken diya ja raha hai sukha hua ye bhi nahi ki thoda sa tum usko decorate kar lete hai theek hai sukha hua charga fried chicken and biryani what is this combination nice. I love it. Anyway, then the other thing is the lady who's serving, she picked up the chicken with her hand, put it on the plate. Us ghar mein, jis mein, you know, that lady is like, I am, you know, uske uthati apne haath se. And I just couldn't get away from this bichara chicken that was
that I didn't even listen to the. I was just concentrating on what the hell is happening. वो epic था. वो जो leg piece उठा के यूं जो made यूं रखती है ना उसके plate में. हाथ से. हाथ से. हाथ से. हाथ से. उस मतलब आप सोचे ना जिस जो condition दिखाया है उसकी. वो तो she would be dead or in some tehkhana. My God. In any other. So anyway, उसके अलावा of course you know we've talked. एट नोजियम अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं एंड ऑफ कोर्स आई थिंक द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट फॉर ऑल ऑफ अस वाज़ द सीन दैट वी वर वेटिंग फॉर व्हिच फेल्ड अस एट परफॉर्मेंस व्हिच फेल्ड अस एट डायलॉग व्हिच फेल्ड अस एट सिचुएशंस व्हिच फेल्ड अस एट म्यूजिक व्हिच फेल्ड अस एट एवरीथिंग देयर वाज नथिंग दैट फोर दैट वाज ओके फारूक बहुत अच्छा डायरेक्टर है We know that, है ना? सबको पता है ये बात और इंडस्ट्री के लोगों को पता है फारूक बहुत अच्छा डायरेक्टर है दिल टूटता है बिलाल इज अ गुड एक्टर दुरेफिशा इज अ गुड एक्टर चक्कर क्या है कभी कभी ना कुछ इंग्रेडिएंट्स जब अलग अलग होते हैं पास्ता बनाते हैं आप जब मिसाल के तौर पर तो उसमें ओरिगानो थाइम ठीक है इस तरह की चीज़ें आप डालते हैं आप जब कोरमे में ही डालना शुरू कर देंगे ना तो आप समझ रहे हैं यू हो क्या पता वो जो चरखा बिरयानी एंड फ्राइड चिकन उसमें यही था मुझे ये लगता है कि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना फारूक रिंद एक इंग्रेडिएंट है बिलाल दुरेफिशा एंड द डीपी एंड द ये ओरिगानो और ये ओरिगानो कोरमा मिल गया है मेरे का मैं आप और एक और चीज बहुत है इंग्रेडिएंट जो इन्होंने शोरबा बनाया ना कढ़ाई गोश्त में जब पानी डाल के उसे कोरमा बनाने की कोशिश करते हैं ना वरना वो कोरमा रहता है ना कढ़ाई रहती है वो कुछ ऐसी चीज बन जाती है वरना मैं बताऊं इंडिविजुअली सब अपनी अपनी जगह बेहतरीन लोग हैं ये मतलब इनको कॉम्बो मुझे लगता है ये एक गड़बड़ कॉम्बो हुआ है देखो फारूक की स्टोरी नहीं है ये मैंने कभी फारूक को इस तरह की स्टोरीज करते हुए नहीं देखा मैंने उसे बड़ी मेच्योर बड़ी सेंसिटिव बहुत सेंसिटिव स्टोरीज करता है वो जो कि अमूमन आम आदमी नहीं घुसता उनमें वो जाता है विलेजेस में और उन जगहों से स्टोरीज उठा के लाता है जो कि आप अमूमन सोच भी नहीं सकते कि यार ये किस जगह से ले आया एज फारूक अगर दूं एज फारूक रिंद मैं 8 देता इस स्टोरी में 4 सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,100 हुए हैं फारूक रिंद साहब के हिस्से में ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से 27% बनते हैं 2.7 इनको मिले हैं अब बात कर ली जाए दुरेफिशा की चले आप ही नंबर दे दे तुसी नंबर दे दो सोने हो हम सुन रहे हैं तुसी नंबर दे दो दूरे विषय में आपको बहुत नंबर देता तो आप दे दो आई विल जस्ट टॉक अबाउट द लास्ट सीन एंड से दैट बोथ द एक्टर्स डिसअपॉइंटेड मी इन द लास्ट सीन वो जगह जो जैसे मैंने कहा जिसका इम्पैक्ट जब बहन ने शामीर को पहली दफ़ा देखा था तो उसका इम्पैक्ट दिल पे आके लगा था वो इम्पैक्ट इस पूरे सीन में कहीं किसी एक मोमेंट पे 3 जगह से गुजार के आपने ला के सीन बनाया नहीं सो द एक्टर्स आर इक्वली एट प्ले सिर्फ डायरेक्टर नहीं है सिर्फ राइटर नहीं है थिंक 4 दुरेफिशा के लिए तो अब मतलब मैं तो परफॉर्मेंस के लिए दे रही हूँ दुरेफिशा के लिए तो नहीं दे रही अब बातें इसके पास वो कहते हैं कि हम नाश्ता लेके जा रहे हो कहती मैंने नहीं जाना मेरी तब तो उनकी जो उसमें आई थॉट दुरे डिड अ रियली गुड परफॉर्मेंस द सैड पार्ट अबाउट दैट सीन वाज दैट एज द सीन प्रोग्रेस्ड हर स्वेट पसीना किसी ने नहीं पहुँचा नाउ डायरेक्टर माइट हैव सेड कि दिस वाज द बेस्ट टेक एंड आई एम गोइंग टू यूज इट आई थिंक देन थोड़ा सा आप CGI के साथ थोड़ा सा खेल लेते यू कुड हैव यू नो सो आई फेल्ट दैट इट जस्ट टुक अवे फ्रॉम हर परफॉर्मेंस व्हिच आई फेल्ट रियली बैड फॉर हर सो दैट सीन आई रियली लाइक्ड आई थिंक इट हैड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट शी पुट अ लॉट ऑफ यू नो लाइक यू कुड फील व्हाट शी वाज सेइंग सो फॉर दैट आई प्रोबेबली विल गिव हर अ 5 फॉर इश्क मुर्शिद आई डोंट नो टेक अ 6 फ्रॉम मी 6 गुड जॉब आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें
हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी। अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के यूट्यूब चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए 12,900 किए हैं और दुर्फिशा के हिस्से में ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद से आए हैं 3,870, 30% बनते हैं, 3 मिले हैं इनको 10 में से। अब चलते हैं जी मेल एक्टर की तरफ जो कि हैं बिलाल अब्बास। रुबीना जी, एक सीन था मंजी वाला, उसने एंड में एक बड़ा अच्छा डांस का जेस्चर किया था बिलाल ने, दैट वाज रियली क्यूट टू डाई फॉर, ये करता हुआ गया था। आई थिंक बिलाल हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बीइंग अ सुपरस्टार एंड ही इज एक्चुअली अ सुपरस्टार। शायद उसको भी नहीं पता था कि ये ऐसा वर्कआउट नहीं करेगा, मुझे नहीं, आई वांट टू नो व्हाट ही थिंक्स। पब्लिक के लिए तो बहुत वर्क कर रहा है, पब्लिक के लिए तो ये, क्योंकि वो शुरू ही ऐसा कमाल जगह से हुआ था, शुरू बहुत अमेजिंग था। एंड आई डोंट नो, आई वांट टू नो व्हाट ही थिंक्स ऑफ दिस लास्ट सीन जिस पे हम इतना हार्शली जज कर रहे हैं अपने दोनों एक्टर्स को, अपने राइटर को और डायरेक्टर को, कि बिलाल क्या कहता है इस सीन के बारे में, क्या उसको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक था। बिलाल बताएं आप हमें, आप क्या कहते हैं इस बारे में? वो कह रहे हैं नंबर्स आ रहे हैं, मैं क्यों कुछ बताऊं? कह रहे मैं कुछ नहीं कह रहा, व्यूज कह रहे हैं मेरे फैंस मुझे बता रहे हैं। सो आई थिंक आई विल गिव हिम 6 गुड जॉब। मैना जी, आपको तो खास कोई अदावत है बिलाल से, ऑडियंस कह रही थी आपको जेलसी है बिलाल से। मुझे आई डो हिम एब्सोल्युटली, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, कोच हमारा पठान है, हमारे 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 मुल्क का है। नो नो, आई एब्सोल्युटली डो हिम, और हमने उसको कितने मार्क्स दिए बेटा, आजकल हमें प्ले नहीं पसंद आ रहा, समझ नहीं आ रहा, इसका ये मतलब नहीं कि हम बिलाल को नहीं पसंद करते। आई लव यू बिलाल, आई एम गोना गिव यू ए 5 only for the last scene. 5 okay, 6 उन्होंने कोई बात नहीं कहा, 6 okay जी, good job। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी। अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के यूट्यूब चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए 11,500, कितने होंगे बिलाल? 6,000 हाँ आराम से, 7 बिलाल अब्बास के लिए 6,440, 56% बनते हैं, 5.6, well done बिलाल। So बिलाल, you don't need anything from us, हमसे तुमको कुछ नहीं चाहिए। Ignore this episode. हमसे तो जी ये था इश्क मुर्शिद का रिव्यू।